हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागली टोल पर चल रहे धरने में जसवंतपुरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। भारतीय जनता पार्टी जालौर द्वारा बागली टोल पर जसवंतपुरा टोल रोड के नवीनीकरण को लेकर चल रहे धरने में शुक्रवार को जसवंतपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह देवल, कलापुरा के नेतृत्व एवं जसवंतपुरा प्रधान प्रतिनिधि परखाराम मेघवाल एवं पंचायत समिति सदस्य मुकाराम पुरोहित बुलाना के मार्गदर्शन में भाजपा मंडल जसवंतपुरा ने भागली टोल गेट पर धरना दिया गया। मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह कलापुरा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क पूरी तरह जर्जर हालत में है, इसके बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है तथा वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है। देवल कहा कि रोड नहीं तो टोल नहीं। धरने के दौरान मंडल से महामंत्री भगवान सिंह देवल, नेतीराम मेघवाल देलडी, नपसाराज ओबात्री, मंडल मंत्री राम सिंह धरूपड़ा, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भरत कुमार राणा, सवाई सिंह, धनाराम देवासी, भरत मेघवाल पूरन, राजा राम भील गोलाना, देवीदान रवि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय भाजपा नेता व पूर्व विधायक प्रतिनिधि बाबूलाल मेघवाल, महिला मोर्चा श्रीमती शांता विशोई सहित स्थानीय जालौर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद उपस्थित रहे। धरने में एबीवीपी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं ने भी धरने को अपना समर्थन दिया एवं सरकार व प्रशासन को चेतावनी देते हुए समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की रहेगी। जागरूक टीवी के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।